हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 22 जनवरी 2022 की इवनिंग वाली शिफ्ट की एग्ज़ाम हो चुकी है और कुछ ही तनिक क्षण में बच्चे बाहर आएंगे और उनका लाइव रिव्यू लेंगे, उनका एग्ज़ाम कैसे गया और मैथ्स से रीजनिंग और जीके और जीएस और साइंस से कितने क्या क्वेश्चन बने और किस प्रकार से क्वेश्चन बने, किस पोर्शन में सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आए हैं, किस पोर्शन में सबसे कम सरल क्वेश्चन आए हैं और जानेंगे आज का कैसा पेपर रहा, मीडियम रहा या लेवल वाला था या नीचे कम स्तर पर गया है कि या उच्च स्तर पर गया है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। आगे बच्चे आ गए हैं, देखो उधर ले लो थोड़ा सा कैमरा, हाँ उधर आ रहे बच्चे, देखते हैं इनका क्या रहता है आज का और कितने नंबर आए हैं हाईएस्ट आज तक अभी तक के, पूछते हैं इनसे, इंक्वायरी लेते हैं। चलो भैया इधर जाओ, आगे बच्चे इधर आ रहे हैं। भाई साहब कितने नंबर आए आपके, आपके कितने आए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कितने नंबर है, अबे बोल तो जा, बोलने के पैसे थोड़े लग रहे क्या, कितने पैसे, 37, बढ़िया अच्छे नंबर है। मैम कितना नंबर आया मैम आपका, मैम कितने नंबर आए, नहीं बताएंगे मैम, देख रहे हैं कम नंबर आए होंगे इसलिए। हाँ भैया कितने नंबर आए, 52। कैसा पेपर था, नॉर्मली, कौन सी कैटेगरी से, ओबीसी, ठीक है, देखते हैं। भैया कितने नंबर आए, कितने नंबर आए आपके, 47। हाँ। कौन सी कैटेगरी से, एससी से। भैया आपके 45 नंबर, अभी उधर लोकेशन पे, इस पे आओ, इस पे लोकेशन पे, हाँ इधर रखो बस हो जाएगा। भैया आए हैं, भैया कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर, पेपर नंबर कितने, 51 नंबर। भैया आपके 99। अरे भैया आराम से देखते हैं और क्या है। हाँ बड़े भैया कितने आए आपके नंबर, कितने आए, कितने नंबर आ रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, 66 नंबर। कैसा पेपर था आज का, बढ़िया। कौन सी कैटेगरी से हो, मैं जनरल से हूँ, अदर स्टेट। अच्छा अदर स्टेट है ना, अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू भैया है। भैया कितने नंबर आए आपके, कितने नंबर है, मेरे नंबर आए 65। कहाँ से आते हो आप, मैं मंसूर से आता हूँ, मंसूर से आते हो, 65 नंबर आया। 65 कौन सी कैटेगरी से आप, ओबीसी, ओबीसी से। कैसा था पेपर आज का, पेपर सर इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। अच्छा अच्छा मैम कितना नंबर, भैया कितने नंबर आए मैम, कितना नंबर, कितने नंबर आए, 59, अच्छे नंबर है। कहाँ गए भैया, आ जाओ भैया, आपके कितने हैं, क्यों आपके कितने आए, 68, अच्छे नंबर। आपके मैम, मेरे 80। बोला कि सुबह भी एक लड़का था 78 बोल गया और देखते हैं किसका कितना रहा, 78। हाँ नहीं आया था उसका। भैया आपके कितने, 58। इधर आओ, क्या नाम, शुभ नाम आपका, गोविंद कापड़िया। कहाँ से आते हो आप, मंदसौर। कैसा पेपर था आज का, अच्छा था, अच्छा पेपर था। मैथ से कैसी पूछी गई, मैथ से तो टफ ही थी, टफ ही थी। और रीजनिंग, रीजनिंग तो इजी थी, रीजनिंग इजी थी। और जीके क्या पूछा, कैसे पूछा, क्या जीके सन वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, अच्छा सन वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। तो एमपी जीके से कितने क्वेश्चन बने, एमपी जीके से 20 क्वेश्चन के लगभग, समथिंग 20 क्वेश्चन थे। तो आप बता सकते हो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में, नहीं तो अब याद नहीं, अच्छा याद नहीं है आपको है ना, देखते हैं और कितना क्या रहता है। भैया कितने नंबर आए, 48। कहाँ से आते हो आप, मंदसौर। कौन सी कैटेगरी से हो, राजपूत, जनरल। अच्छा जनरल से हो ना, क्या भैया आपके कितने नंबर आए, 55 नंबर। भैया आपके 54, 45। आज रेशियो पता नहीं कहाँ कैसा रहा। भैया आप कितने, 62। कैसा था पेपर आज का, पेपर बहुत घुमा गया पिछले साल से, रनिंग फिटनेस क्लब ने मच, तो नंबर इतने कम क्यों आ रहे बच्चों के पेपर, जहाँ नंबर 30-40-20 में नंबर है, नंबर अच्छा, किसके नहीं, 30-40 के बीच में नंबर, बस इतने से आ रहे 62। मेरे ये बने देखा ना, तो आधी क्लास में किसके नहीं थे, 30 से कम और 40 के लगभग है वो। अच्छा अच्छा, तो ज्यादा पेपर घुमा के दिया, अच्छा घुमा के दे रहे हैं पेपर, सरल भी था लेकिन। कितने आए भैया, 70 अभी तक के हाईएस्ट आप ही हो, देखें आपसे पूछते हैं। क्या नाम, शुभ नाम आपका, देवी किशन। देवी किशन कहाँ से आते हो आप, अरणिया महादेव, अरणिया महादेव से आता हूँ। और कितने नंबर आए आपके, 70 नंबर आए, 70 नंबर आए अभी तक हाईएस्ट आप ही मिले हो मेरे को 70 नंबर वाले। तो कैसा रहा पेपर आज का, पेपर अच्छा था,
मैथ्स टफ थी थोड़ी। अच्छा मैथमेटिक्स आज के पेपर में देखा जाए टफ थी। मैथमेटिक्स जानते हैं किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए, ये सारा डिटेल मुझे नहीं पता। नहीं डिटेल तो होना चाहिए ना, आपको पेपर दिया तो थोड़ा बहुत तो चलो सीआईसी से था एक क्वेश्चन। एडवांस में से इतने नहीं थे, अब था। हाँ अब बात करते हैं रीजनिंग में नंबर अपने कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन बने, कोडिंग डिकोडिंग से थे क्वेश्चन थे। न्याय निगमन से रक्त संबंध से उससे भी थे दो। अच्छा वाटर इमेज से नहीं थे। मिरर इमेज से थे। फिंगर काउंटिंग नहीं था। समरूपता नहीं एनालॉजी उनसे था। अच्छा और उससे अपने एमपीजीके में क्या पूछा गया, कितने नंबर आ रहे हैं? 68 नंबर। कहाँ से आते हो आप? मंसूर, ये गरोड़ तहसील से। अच्छा गरोड़ तहसील से। 68 अच्छे नंबर है आपके। तो कैसा आज का पेपर, क्या बच्चों कम नंबर आ रहे हैं? एमपीजीके ज्यादा पूछा। अच्छा एमपीजीके ज्यादा पूछा गया, किस प्रकार से पूछा गया एमपीजीके? ये इससे संविधान से ज्यादा पूछा गया। अच्छा संविधान से ज्यादा पूछा गया, एक बार और थोड़ा और डिटेल दे दो। अच्छा तो भैया बोल रहे हैं संविधान से ज्यादा। मैम कितना नंबर आया? मैम कितना नंबर? कौन सा चैनल है? रनिंग फिटनेस क्लब नीमच। तो देखा जाए तो आज कहीं ना कहीं कम नंबर आए बच्चों के, अभी तक 70 हाईएस्ट मिला है मेरे को, और पेपर आज लगता है टफ है। देखें कि हाँ कितना नंबर आपका, एक आ जाओ ऐसा मास्क लगा रखा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना? हाँ आ जाओ। हाँ क्या नाम, शुभ नाम आपका? कविता। इधर आ जाओ, मास्क लगा लो आप। कविता नाम है आपका? हाँ। कहाँ से आते हो आप? ढाणी से आते हो। कितने नंबर आए आपके? 34 नंबर आए, कम नंबर है। पर आप बता सकते हो कैसा पेपर था, टफ पेपर था क्या आज का? टफ पेपर था। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? हाँ। अच्छा अच्छा तो अगली बार अच्छे से तैयारी करना। और मैथ्स में क्या पूछा गया? अच्छा क्वेश्चन याद है एमपीजी के? अच्छा याद नहीं है ना, ठीक है आप नेक्स्ट बार अच्छी तैयारी करना, है ना? ठीक है, थैंक यू मैम। आपके भैया कितने? मेरा 61 नंबर आया, अच्छा गया पेपर। अच्छा पेपर अच्छा था? अच्छा था, और थोड़ा तो आता ही है टफ। हाँ। अगर बिल्कुल नॉर्मल आए तो सभी हाँ। पास हो सकते, अच्छे हाँ। नंबर आए हैं। अच्छा अच्छा गया पेपर, ठीक है भैया। तो देखा जाए तो पेपर अच्छा था आज का, और बच्चों कम नंबर आ रहे हैं, और कोई इतना टफ लेवल नहीं था। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।